उत्तरी नाइजीरिया के एक बाजार में हुए आत्मघाती हमले में 45 लोगों की मौत हो गई है व इस हमले में 30 लोगों के घायल होने की खबर है। सेना के अनुसार दोनों आत्मघाती हमलावर स्कूली लड़कियां थीं। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इस तरह के हमले अक्सर बोको हराम करवाता रहा है। जहाँ हमला हुआ है वह इलाका बोको हराम के प्रभाव वाला माना जाता है। हमले के चश्मदीद के अनुसार सब्जी बाजार के पास 2 विस्फोट हुए। विस्फोट से बहुत से लोग घायल हो गए जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। मदागली स्थानीय सरकार के अध्यक्ष ने हमले की जानकारी देते हुए बताया है कि ग्राहकों के रूप में बाजार में आई 2 हमलावरों ने बाजार के उस हिस्से में अपनी आत्मघाती बेल्टों में विस्फोट कर दिया जहां अनाज और इस्तेमाल किए गए कपड़े बेचे जा रहे थे। मैडा गली जहां लड़कियों ने हमला किया। नाइजीरिया की सेना ने 2015 में बोको हराम से लड़ाई के बाद अपने कब्जे में ले लिया था। नाइजीरिया के मैडा गली में हुए आत्मघाती हमले में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। सेना मदद के लिए पहुंच चुकी है। वैसे हमले वाली जगह अशांत मानी जाती है। देखते रहिए डीबी लाइव।